देश भर में जब ये कोविड का अलर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, तब से हम कोविड प्रिवेंशन के लिए पूरा प्रिकॉशंस ले रहे। ये कोई भी बच्चा बुखार, सर्दी, खांसी से आ रहा तो उनके लिए सेपरेट ओपी कंडक्ट कर रहे, ये नॉन रेस्पिरेटरी केसेस से रेस्पिरेटरी केसेस अलग करके सेपरेटली देख रहे हैं। और जिसको ज़्यादा सिम्टम्स लाइक निमोनिया सिम्टम्स, हाई फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कॉफ, कोल्ड रहता है, उन लोगों को अलग बिल्डिंग में, आइसोलेशन बिल्डिंग में एडमिट कर रहे। आइसोलेशन बिल्डिंग में हमारे को 120 बेड्स फैसिलिटी है, सब बेड्स को ऑक्सीजन का सप्लाई है, और वी हैव एनफ वेंटिलेटर्स एंड ऑल्सो एयरवो मशीन्स टू हैंडल एनी नंबर ऑफ कोविड केसेस। अभी तो हमारे पास 83 केसेस ऑफ निमोनिया एडमिट हुए हैं, सबको कोविड टेस्ट कर रहे, एक ही केस को पॉजिटिव आया, ये 14 मंथ्स ओल्ड बॉय फ्रॉम नामपल्ली, उसको टेस्ट पॉजिटिव आया। उसका कंडीशन अभी तो स्टेबल है, जब आया तब थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, लेकिन HFNC मशीन में ट्रीटमेंट दिए, अभी थोड़ा मिनिमल ऑक्सीजन में वो अच्छा स्टेबल हुआ, एक दो दिन में डिस्चार्ज भी कर लेंगे। पहले वेव से सबको बता रहे हैं ना, वो मास्क पहनना, जब भी क्राउडेड प्लेसेस में जाते तब हमेशा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करना है रिपीटेडली। स्पेशली छोटे बच्चे घर में आए तो बाहर से जो भी एडल्ट आते हैं, हैंड वॉश करके ही अंदर जाके बच्चों को छूना। वैसे भी क्राउडेड प्लेसेस में छोटे बच्चों को लेके नहीं जाना। अगर किसी बच्चे को फीवर, कॉफ, कोल्ड का सिम्टम्स है तो उनको पूरा कम होने तक स्कूल को मत भेजना। अगर स्कूल को गया तो सिम्टम्स है वो पूरा क्लास में, पूरा स्कूल में बच्चों को स्प्रेड हो जाएगा, और आने वाले फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा क्राउड आने का चांस है। इसी के वास्ते हर पेरेंट्स, हर बच्चों के पेरेंट्स, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट ऑल दिस। मौसम है, ये मौसम में स्पेशली 1 मंथ के अंदर बच्चों को देखे तो वो ठंडा हो जाते, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर लो होके सिक हो सकते। उन लोगों को अच्छा रैप करके गर्म रखना है, और ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस को बच्चों को नहीं लेके जाना। और ये कोल्ड वेदर में थोड़े इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा आने का चांसेस है। सो अगर फीवर, कोल्ड, कॉफ है तो माइल्ड सिम्टम्स है तो घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हाई ग्रेड फीवर 2-3 डेज के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा, बहुत डल रह रहा, ऐसा सिम्टम्स है तो इमीडिएट हॉस्पिटल को लेके जाके एडमिट करना पड़ता है।